देश के सच्चे सपूतों की जय। देश के सच्चे सपूतों की जय। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। सभी लोग अपना भैया थोड़ा पीछे रहना। इसके सर्वीशन्तु निरामयाः सर्वी भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज 15 अगस्त हमारे राष्ट्र के लिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत आस्थावानों का देश है और इस देश को माता कहकर के संबोधित किया जाता है। तिरंगे झंडे की बड़ी महिमा है। इसमें 3 रंग हैं। हम वैसे ही नमन नहीं करते हैं। इस तिरंगे झंडे को पूरा विश्व नमन करता है। अपने अपने देश के झंडे होते हैं, अपने अपने देश की पहचान है, लेकिन भारत की और भारत के तिरंगे झंडे की पहचान कुछ अलग ही है। जैसे 3 रंग हैं और उन 3 रंगों में आप देखेंगे कि मध्य में सफेद रंग है और उसमें चक्र स्थापित है मध्य में। ये चक्र आस्था का प्रतीक है, ये चक्र श्रद्धा का प्रतीक है, क्योंकि इस चक्र को भगवान ने स्वयं धारण किया है, इसलिए उसका नाम है सुदर्शन चक्रधारी। क्या नाम है उसका? सुदर्शन चक्रधारी। आप लोगों ने कभी समझा या सोचा है इसके बारे में कि इस भारत के तिरंगे झंडे के मध्य में सफेद रंग पर चक्र स्थापित किया गया है? ये महापुरुष जानते थे कि भारत के ऊपर सभी देशों की निगाह रहेगी, क्योंकि जो ऊर्जावान होता है, इसका अस्तित्व बड़ा होता है, उसको मिटाने के लिए आसुरी शक्तियां लग जाती हैं और संगठन बना लेती हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं, चीन है, नेपाल हमारा हिंदू राष्ट्र था, लेकिन चीन ने आज उसको बर्बाद कर दिया है और अपनी मुट्ठी में ले लिया है।
नेपाल को लिया है कि नहीं लिया है। हिंदू राष्ट्र था वो, लेकिन ये चीन की चाल थी कि उसने वहाँ ऐसा विरोध पैदा कराया, ऐसी विडंबना पैदा कराई कि जिसके परिणाम स्वरूप आज नेपाल दुर्भाग्य को प्राप्त है और चीन के अधीनस्थ हो गया, हो ही गया एक प्रकार से। मानिए बैरिंग दृष्टि से भले ही आप उसको स्वतंत्र मान लो, आजाद मान लो, मैं तो नहीं मानता हूं। अमेरिका भी कहीं ना कहीं अंदर से भारत से दूरियां बनाए बैठा है, बैरंग दृष्टि से भले ही वो हमें अपना नजर आ रहा हो, लेकिन वो भी हमारा नहीं है। अंदर से वो भी ताक में बैठा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं बांग्लादेश तो हमारे साथ ही था, लेकिन उसमें भी विडंबना पैदा हो गई, वो भी आज भारत का विरोधी हो गया। वहां हिंदुओं की जो दुर्दशा हुई आप देखते हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, देखी नहीं जा रही है। ये लगता है कि किसी तरह से उन हिंदुओं को भारत में लाया जाए, कैसे लाया जाए, इसके लिए क्या प्रयास किया जाए, लेकिन उनको भारत में लाया जाए, उनकी दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। लेकिन कुछ संवैधानिक मर्यादा है, इसके कारण हम लोग उस प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि संविधान की मर्यादा भी बचानी है हमें। लेकिन भगवान से तो हम प्रार्थना कर ही रहे हैं कि उनकी रक्षा हो, और भगवान से मैंने प्रार्थना की, नृसिंह भगवान से ही प्रार्थना की थी परसों की सभा में, ये नृसिंह भगवान का नगर है, मैं नृसिंह भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो रक्षा करें और उन दैत्यों से हमारे हिंदुओं को बचावें। और वो आज भी भगवान के भरोसे हैं। ये भी आज हमारे से दूर हो गया है बांग्लादेश, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और बहुत से देशों की गलत निगाहें हमारे भारत के ऊपर हैं। लेकिन आज 15 अगस्त में मैं तिरंगे झंडे को साक्षी करके, नमन करके और भारत माता को अनंत बार प्रणाम करके मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुख्य बातें बताऊँगा, क्योंकि सायंकालीन सभा में आप विशेष रूप से श्रवण करते ही हैं और लगभग विगत 3 दिवसों से आप सुन ही रहे हैं। आज चौथा दिवस है, कल पंचम दिवस, विश्राम वेला, कल की सभा होगी। मैं अपनी अल्प बात कह रहा हूँ कि आज मैं भारत माता के चरणारविंदों में अनंत कोटि बार प्रणाम करते हुए अपने भारतीय तिरंगे झंडे के समक्ष नमन करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदू जहाँ भी रह रहा है वो साहस न तोड़े। विश्व के हर देश में हिंदू रह रहा है, दुनिया में ये बताइए कौन सा देश है जिसमें हिंदू ना हो। पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, बोलो है कि नहीं। जहाँ कल्पना नहीं की जा सकती है वहाँ भी हिंदू है। कोई देश नहीं बचा है जहाँ हिंदू ना हो, और हिंदुओं की दुर्दशा करने पर सभी तुले हुए हैं। क्यों? हिंदू जिस संस्कारों में पैदा हुआ है वो संस्कारों को छोड़ नहीं सकता है, चाहे प्राण चले जाएं, तभी तो वो हिंदू है, तभी वो असली हिंदू है। वो हिंदुस्तान में रह करके भी जिसने संस्कारों को त्याग दिया, मर्यादाओं को त्याग दिया, वो भले ही हिंदू परिवार में पैदा हुआ हो, मैं उसे हिंदू नहीं मानता हूं। जिसने संस्कार और मर्यादा से नाता तोड़ दिया है वो किस बात का हिंदू है, उसे अपने को हिंदू नहीं कहना चाहिए। हिंदू वही है, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चले जाएं
लेकिन जो संस्कार मैंने आचार्यों से लिए हैं, ग्रंथों से लिए हैं, अपने पुरखों से, पूर्वजों से लिए हैं, उन संस्कारों को हम अंतिम श्वास तक अपने साथ रखेंगे, उनका त्याग नहीं करेंगे। वो हिंदू है। ओंकार मूल मंत्र ढ्या पुनर्जन्म दृढ़ाश्या गौ भक्तो भारत गुरु हिंदू हीनत दोष का। जो भारत को अपना गुरु मानता हो, चाहे अमेरिका में रहता हो हिंदू, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो हिंदू, चाहे चीन में रहता हो हिंदू, चाहे इंग्लैंड, जावा, फ्रांस, जर्मन, कहीं भी रहता हो हिंदू, वो भारत को गुरु मानता है, वो हिंदू है। किसको गुरु मानता है? भारत को गुरु मानता है वो हिंदू। इसलिए भारत केवल एक देश ही नहीं है, भारत गुरु है। और विश्व में जहां जहां भी हिंदू रह रहा है वो भारत को गुरु मान रहा है, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। इसलिए हमारा भारत विश्व गुरु है। कहीं भी हिंदू रह रहा हो लेकिन अपने साहस को बनाए रखे। साहस को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कितने आश्वासन दिए हैं सुरक्षित रहने के लिए, कितने वचन दिए हैं। मैंने उनका 15 अगस्त का भाषण सुना नहीं है, जब सुन लूंगा इसके बाद कोई बात कहूंगा, क्योंकि मैंने अभी नहीं सुन पाया उनका भाषण। मैं सुनूंगा, पूरा सुनूंगा। प्राइम मिनिस्टर जी ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है देश के लिए, क्या कहा, और देश से बाहर जो हिंदू रह रहे हैं उनके लिए क्या कहा है। जब सुना नहीं है तो मैं क्या कह दूं, सुन लूंगा इसके बाद कहूंगा। मुझे विश्वास है कि उन्होंने साहसी बनाया होगा, सकारात्मक बात कही होगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि वो साहसी हैं। और हमेशा जो है उन्होंने अन्य देशों में जाकर के एक वीरता, शूरता और धैर्यता का परिचय दिया है, और अपने भारत की मर्यादा को बचाने के लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किया है और पूर्ण प्रबल दावेदारी से अपनी बात को रखा है, भारत के पक्ष को रखा है। लेकिन मैं अंतिम बात कह रहा हूं वो यह है कि चक्र सुदर्शन चक्रधारी का चक्र है ये। किसका चक्र है? सुदर्शन चक्रधारी परमात्मा का चक्र है। यदि भारत पर कोई गलत निगाह रखेगा, यदि हिंदुओं पर कोई गलत निगाह रखेगा, तो हमारा तिरंगा झंडा आज साक्षी है और घोषणा करता है कि हिंदू चिंता न करे, हमारा सुदर्शन चक्रधारी परमात्मा उनकी रक्षा करेगा और सुदर्शन चक्र उन दैत्यों का विनाश करेगा। ये विश्वास रखने की आवश्यकता है। इसलिए ये आस्थावानों का देश है, आध्यात्मिक देश है, शूरवीरों का देश है। जैसा अभी श्री मंगल पांडे जी का नाम लिया गया था, साधारण नहीं थे वो, बहुत बड़ी ताकत थे भारत की, आध्यात्म की भी बहुत बड़ी ताकत थे वो। वीरांगनाओं में महारानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंतिम श्वास तक युद्ध किया अंग्रेजों से, लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। राजस्थान का इतिहास ले लीजिए, महाराणा प्रताप, अंतिम श्वास तक उन्होंने युद्ध किया और हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए लड़े, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है और उनको स्मरण किया जाता है और बार बार उन्हें नमन किया जाता है।
उसी क्रम में बहुत महापुरुष हुए हैं, बहुत वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने देश के लिए प्राण त्यागे हैं। राजगुरु जी का नाम लिया गया, स्मरण हो आ रहा है। सरदार भगत सिंह जी का स्मरण, राम प्रसाद बिस्मिल जी का स्मरण, बहुत से बलिदानी जो फांसी के फंदे पर झूल गए, हंसते हंसते झूले, उन्होंने प्राण की चिंता नहीं की, लेकिन उन्होंने देश की चिंता की, भारत माता की चिंता की और भारत माता के प्रति अपना समर्पण किया और अपने रक्त से तर्पण किया और समर्पण किया और प्राण त्याग करके वो वंदे मातरम कह करके इस देश से विदा हुए। इसलिए उन सभी का वंदन अभिनंदन है जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। और अभी अभी बहुत से, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ और भी युद्ध हुए, उनमें भी हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं, उन्हें भी इस मंच से मैं बहुत ही सम्मान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनका नाम लेता हूं, उनके मोक्ष की कामना करता हूं। भारत माता के लिए प्राण त्यागे हैं इसलिए मोक्ष अवश्य मिलेगा, सदगति अवश्य होगी। और जो भारत माता के प्रति समर्पित हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपने घर में तिरंगे की मर्यादा रखी है, अपने प्रतिष्ठानों में तिरंगे की मर्यादा रखी है, उन्हें बहुत बहुत 15 अगस्त की शुभकामना दे रहा हूं। जहां जहां ध्वज का सम्मान हुआ है और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन अभागी वो हैं जो भारत में रहते हैं, भारत का अन्न खाते हैं, लेकिन तिरंगे का सम्मान नहीं करते, उन्हें चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस देश में रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जिन्होंने तिरंगे के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया है, जिन्होंने तिरंगे को फहराया नहीं है, मस्तक नहीं झुकाया है, वो अभागे। वो क्या है? अभागे। इसलिए मैं उन्हें बड़भागी कहूंगा जिन्होंने भारत माता का और तिरंगे का सम्मान किया है, उन्हें बड़भागी कहूंगा जो देवी देवताओं का सम्मान कर रहे हैं, उन्हें बड़भागी कहूंगा जो माता पिता का आदर कर रहे हैं, उन्हें बड़भागी कहूंगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मैं इस सभा में बैठा हूँ तुलसी मानस प्रतिष्ठान के इस अग्रभाग में, ये तिरंगे झंडे का, भारत माता का सम्मान हुआ, तिरंगा झंडा तुलसी मानस प्रतिष्ठान के पावन परिसर में, और खास तौर से रिटायर पेंशनर, क्यों भाई है? हाँ, सभी बैठे हुए हैं, और वरिष्ठ नागरिक ये सभी यहाँ उपस्थित हैं। और ये आयोजन तुलसी मानस भवन के सामने रखा गया है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने ग्रंथ के माध्यम से राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। कौन सा ग्रंथ? रामचरित मानस ग्रंथ। इसलिए आज हम सब 15 अगस्त की पवन बेला में भारतीय तिरंगा झंडे का सम्मान तो कर ही रहे हैं, लेकिन संतों में संत तुलसीदास जी महाराज का भी सम्मान कर रहे हैं, और सभी संतों का सम्मान कर रहे हैं। सभी संतों के चरणों में नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, और भारत माता के चरणों में सत सतवार वंदन अभिनंदन। वंदे मातरम। भारत माता की जय हिंद जय भारत। बोलिए भारत माता की जय। अब देखो भाई, हार है, एक एक पुष्प में जिनको पुष्पहार नहीं मिला है उनको मैं आशीर्वाद के रूप में अपनी तरफ से एक एक पुष्प दूंगा, ठीक है ना? तो उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये 15 अगस्त है, इसमें प्रसन्नता रहनी चाहिए। हमारे त्रिपाठी जी ने हमको दे दिया। नहीं, त्रिपाठी जी ने तो दे ही दिया है, उन्होंने तो अपना पूरा हार दे दिया और अपनी हार आपके सामने स्वीकार कर ली है नहीं? लेकिन ये मेरे गले की माला, इसका एक
एक पुष्प आइए मैं देता हूँ आप सबको और आशीर्वाद भी है मेरा। दिवस के अवसर पर हमें